पाकुड़ नगर परिषद की कार्यशैली के विरुद्ध आरटीआई सह सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल 24 घंटे से भूख हड़ताल पर, कोई अधिकारी ने नहीं ली सुध। पाकुड़ नगर परिषद के अवैध कार्यों और लापरवाही युक्त कृतियों के विरुद्ध आरटीआई सह सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल ने नगर परिषद के सामने टेंट लगाकर दिनांक 21/6/2021 से लगातार भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक पाकुड़ नगर परिषद पानी की समुचित व्यवस्था नहीं करते। गंगा का पानी पाइपलाइन द्वारा पाकुड़ के नागरिकों को मुहैया नहीं कराते, शहरी आवास योजना में बाहरी को लाभ देने की जांच नहीं करते। संपूर्ण जनताओं में पानी के लिए त्राही माम मची हुई है। मैं कई बार इस उपलक्ष्य में नगर परिषद कार्यालय में प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन नगर परिषद प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं शिकायत किया नगर परिषद कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी को और उसकी प्रतिलिपि मैं जिला प्रशासन को भी दिया। तो उस आवेदन पर कोई कार्रवाई हुई? उस आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः मैं पूर्व में मैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा COVID-19 का हवाला देते हुए मुझे अनुमति प्रदान नहीं की गई। मैं पुनः मैं आवेदन समर्पित किया, उनके द्वारा मुझे किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। मैं जनता से वादा किया था कि मैं 21 तारीख को पाकुड़ शहर वासियों के लिए स्वच्छ रूप से जलापूर्ति हेतु मैं भूख हड़ताल पर अवश्य बैठूंगा। मैंने जनता से वादा किया था, मैं अपना वादा पूर्ण कर रहा हूं। तो आप कितने घंटे से अभी उपवास पर हैं भूख हड़ताल पर? मेरा 24 घंटा हो चुका अभी तक। कोई पदाधिकारी थे क्या? किसी पदाधिकारी की यहाँ उपस्थिति नहीं हुई, जिससे मैं जब तक पाकुड़ नगर परिषद को शहरवासियों को सुचारू रूप से जल आपूर्ति नहीं कर दी जाती है, मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। वी टाइम न्यूज के लिए पाकुड़ से एहसान आलम की रिपोर्ट।